अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर ज़ियार और आप देख रहे हैं फखर ज़ियार यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का आगाज करते हैं उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे जी वर्ल्ड कप मैच का सेमीफाइनल हुआ T20 वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। बहुत ही सनसनीखेज मैच, मैं फेवर कर रहा था, मेरी जो फेवरेट टीम थी वो न्यूजीलैंड थी और न्यूजीलैंड वेल डन, आपने मैच जीत लिया, बहुत अच्छा खेले आप। अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सारे न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेलेगी, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको अच्छी तरह धोया और बोरों की सही तरह मालिश की और उनको इंग्लैंड की तरफ रवाना कर दिया। और दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल है, बैड न्यूज़ पाकिस्तान के लिए। अभी तक जो अपडेट है, रिजवान और शुएब मलिक को बुखार हुआ है, कोरोना टेस्ट उनका हो चुका, पॉजिटिव नहीं है वो, लेकिन वो दे आर नॉट फीलिंग वेल। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द सेहत याबी दे और उम्मीद करते हैं कि वो ठीक होकर जल्दी से टीम को ज्वाइन करें, और अगर ऐसा हो जाए कि सेमीफाइनल खेल सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गुड लक पाकिस्तान। और इस वीडियो में आगे जाकर आप देखेंगे हमारे कम्युनिटी में जो पार्किंग लॉट है वो नई बनाई जा रही है, और उस हवाले से उखाड़ पिछाड़ जिसको कहते हैं वो काफ़ी हुई है, और पहले वाले ही जो रोड है उसको खुदाई करके और नई जो है वो कारपेटिंग या रीले किया जाएगा रोड को, तो उसमें कुछ दिन लगेंगे। उसी हवाले से कुछ फोटेज भी मैंने कैप्चर किए, तो आप वो भी इंजॉय कीजिए। ये देखें जी हमारी इधर कम्युनिटी में पार्किंग लॉट जो है वहाँ पर नई कारपेटिंग हो रही है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन इतनी कारपेटिंग पहले थी, उसको रिमूव किया, उसके बाद दोबारा से इस पर कारपेटिंग करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। नहीं तो ज़्यादातर यही होता है कि लोग जब ये कारपेटिंग दूसरे मुल्कों में करते हैं तो वो कारपेटिंग हुई होती है उसके ऊपर ही डाल देते हैं दोबारा से, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छा तरीका होता है। और ये देखें एक परफेक्ट तरीका कारपेटिंग दोबारा करने का, ये देखें रिमूव कर रहे हैं पहले वाली कारपेटिंग को, मशीनें चल रही हैं जैसे कि वो साफ मशीन चला रहे हैं, उसके बाद वो देखें अच्छी तरह सफाई करके और इसको रिमूव करेंगे, सफाई करेंगे और दोबारा से इसकी जो भी नई कारपेटिंग होगी वो इसकी करेंगे। ये देखें यहाँ से भी ऐसा, ये रिमूव कर रहे हैं साथ साथ, वो देखें सफाई कर रही है वो मशीन, उसके आगे वो लगे हुए ब्रश से लगे हुए लोहे की तार के, वो उसको रिमूव करते हुए जा रहे हैं, देखें सफाई होती जा रही है। तो वो जो पकिया मांदा माल यहाँ पे खुदाई के बाद रह जाता है उसको वो साफ़ करती वो वाली मशीन, और इस तरह यहाँ पे ढेर लगाती जाती है, और इस तरह उस ट्रक में वो लेकर तो चले जाते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी जो है इस एरिया में, काफ़ी अरसे से ये ड्यू था, तो आज ये काम दो दिन हो गए काम शुरू हुआ है, इसीलिए हमें पार्किंग भी बाहर स्ट्रीट पे करनी पड़ेगी। बहर कोई मसला नहीं, चंद दिनों की बात है, इंशाल्लाह रोड दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। ये देखें जी हमारी स्ट्रीट में भी काम शुरू हो चुका है, यहाँ पे पहले वाली वो जो रोड है उसको उखाड़ दिया गया है, नई रोड के लिए राह हमवार की जा रही है, जैसा कि उस पहले वाले क्लिप में आपने देखा है। ये देखिए मशीन का निशान है जिससे उखाड़ी गई है ये रोड, और इसको दोबारा से रीले किया जाएगा। देख लें जी, इसलिए पूरी पार्किंग लॉट में कोई गाड़ी नज़र नहीं आएगी, इन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया था हमारी कम्युनिटी ने। इसके साथ ही आज की वीडियो का खत्म करते हैं, उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब
शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।